आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वामी के जय श्री राम। ये इसलिए क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर पा रहे। इतनी बेचैनी है कि आए दिन बयान भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मांग भी रखते हैं। मंदिर कैसे बनना है इसके बारे में उनकी उत्सुकता को देखकर आज तक ने उनसे ये सवाल पूछा कि ये आपकी लाइन है या भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। उनका जवाब था कि एजेंडा मेरा है लेकिन सहानुभूति है पार्टी की। और इसीलिए ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की शह पर बार बार राम मंदिर के मुद्दे को वो अलाप रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को विश्वास है कि सबकी सहमति से अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर मुलायम से, मायावती से सबसे मिलेंगे, उन्हें मना लेंगे। मंदिर निर्माण की सरकार की स्थिति साफ करते हुए वो बोले कि मुद्दा उनका है लेकिन सहानुभूति सरकार की है। देखिए रिपोर्ट। चार दिनों पहले जिन सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि दिसंबर में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, वही स्वामी आज कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर वो तमाम विरोधियों के बीच भी सहमति के सुर तलाश लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती दोनों मेरे से बहुत परिचित हैं, उनको मैं मनवा लूंगा और सोनिया गांधी से बात तो नहीं करूंगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। स्वामी का कहना है कि यह पार्टी का विषय तो नहीं है लेकिन पार्टी की सहानुभूति इस पर जरूर है। यह पार्टी का विषय नहीं है, पार्टी का सहानुभूति है वो पर्याप्त है। ये सिर्फ एक धार्मिक विषय है जिसमें समाधान से रास्ता निकालना है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखे जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। बोले यहाँ तो हर साल चुनाव होते हैं तो फिर बोलने का वक्त ही नहीं आएगा। इस देश में तो रोज हर साल चुनाव होते हैं तो मैं कैसे चुन सकता हूँ। अब हो गया दो साल के बाद, अब बाकी 3 साल में जो मैनिफेस्टो में बोली हुई बातें हैं उसको क्रियान्वित करनी है। उन्होंने नरसिंह राव सरकार का हवाला दिया कि तब सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वहां प्राचीन राम मंदिर की बात साबित होने पर जमीन का मालिकाना हक राम मंदिर न्यास ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद कहीं और बनाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर वो मुस्लिम नेताओं से भी बहस के लिए तैयार है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा, आइए सबसे पहले उन सवालों का रुख करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर राग के पीछे क्या बीजेपी है, ये पहला और सबसे बुनियादी सवाल है उनकी बार बार बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए। यूपी चुनाव के लिए राम मंदिर मुद्दे में प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर मुद्दे में गुम होगी क्या मोदी की विकास की राजनीति, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए अगर राम मंदिर का राग बार बार अलापा जाएगा तो क्या विकास के एजेंडे को चोट पहुंचती है। कोर्ट में लंबित मामले पर पहले से माहौल क्यों बना रहे हैं आखिर सुब्रमण्यम स्वामी, क्या ये सही है, क्या रोज रोज सुनवाई की मांग सरकार करेगी मंजूर, क्योंकि ये चिट्ठी अब प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी जिसमें वो रोजाना इसकी सुनवाई की बात कर रहे हैं। और यही बड़ी खबर भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि रोज सुनवाई हो राम मंदिर मुद्दे की ताकि जल्द से जल्द इस मुद्दे का निपटारा हो। आपको याद रहे टक्कर कार्यक्रम जो आज तक पर हुआ था उसमें सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज असदुद्दीन ओवैसी, जब ये बहस छिड़ी तो ओवैसी ने कहा कि आप खुद क्यों नहीं जल्द से जल्द इसका निपटारा करते हैं, आप अर्जी दीजिए कि प्रधानमंत्री रोजाना इसकी सुनवाई के लिए दरख्वास्त करें। और यही अब सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। मैं स्वामी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गवर्नमेंट आपकी है, आप पार्लियामेंट्री पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ही मोदी के पास जाकर कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिप्लाई फाइल करे कि डे टू डे हियरिंग कराइए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए ये कर लीजिए आप, ये मैं इस मसले का डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग होगी और जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा मुल्क के सामने। और आप ये काम स्वामी साहब करना पड़ेगा, ये सेमिनार क्यों करते हैं, वो जाकर मोदी से एक बार मुलाकात कर ले, नाराज जरूर है, एक बार मुलाकात करके कहें कि भाई आप डे टू डे हियरिंग कराइए, डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए, मामला सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो इनकी सुझाव है ये मान्य है, मैं करूंगा, कल ही करूंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल हम भी तैयार, हम भी चाहते हैं कि डेटा हियरिंग हो। और आपके लोग विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आप हियरिंग करवा दीजिए ना। हाँ भाई, डे टू डे गवर्नमेंट, डे टू डे हियरिंग के लिए मैं जरूर पहल करूंगा और चीफ जस्टिस के सामने जाकर मेंशन भी करूंगा कि ये ओवैसी साहब सारे, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए, हो सके तो सीडी लेके दिखा भी दीजिए।
इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खास मेहमान जरफरयाब जिलानी जी जो कि कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं कि एजेंडा मेरा है लेकिन सहानुभूति पार्टी की है, तो क्या पार्टी की ही शह पर जानबूझकर फैसले से पहले कोर्ट के माहौल बनाया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर? देखिए, राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय भगवान राम है। अयोध्या में जो स्थान है उसके प्रति लोगों की आस्था है, और इस देश में सबको अपनी आस्था के बारे में उनका कहाँ उनकी उनकी आस्था है। अयोध्या के बारे में बात करना, राम के बारे में बात करना, मुझे नहीं लगता इस देश में कहीं किसी को कोई आपत्ति होती है। पार्टी के लिए, पार्टी बहुत पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि हमारे लिए राम मंदिर कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था ना है। वो आस्था का विषय है, लोगों की आस्था उस स्थान के प्रति है। हाँ। और वहाँ वहाँ पर राम मंदिर था, है, उसको भव्यता प्रदान करनी है। अगर उसके लिए आम सहमति की अगर बात हो रही है तो मुझे लगता है कि उस आम सहमति की तरफ जो लोग उस समस्या के समाधान के लिए इच्छुक हैं ईमानदारी से, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और वो उसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि कब तक ये पेंडिंग रहेगा? लगातार इसको पेंडिंग करते 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 भाई 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, तीनों न्यायमूर्तियों ने एक सुर में यह कहा था कि भाई वहां, हाँ, वहां एक मंदिर था। 2000 जब जिस तरह से न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी का उनका उसमें उल्लेख है, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी ने कहा, न्यायमूर्ति खान ने कहा, सबने एक स्वर से कहा कि भाई वहां एक स्थान था, एक पवित्र स्थान था, उसको तोड़कर कहीं ना कहीं वो किसी इमारत का निर्माण किया गया था। तो वह और क्या चाहिए आपको, और कितने सबूत चाहिए? कब तक आप इसको पेंडिंग करना चाहते हैं? श्रीकांत जी कोर्ट के कहने का इंतजार करेंगे। एक आस्था धर्म है तो एक आस्था संविधान भी है। कोर्ट में तो आस्था सबकी है, कोर्ट में तो सब लोग कहां कोर्ट को कहां कोई अपमान कर रहा है। पहले से माहौल क्यों बना रहे हैं सर? नहीं, अगर किसी इस देश के अंदर अगर कोई राम के प्रति किसी की श्रद्धा है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, अगर कोई इनिशिएटिव लेकर अपनी बात कह रहा है तो इसमें आपत्ति कहां है? क्यों आपत्ति होनी चाहिए किसी को? गौरव भाटिया जी क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि वो आपको भी मना लेंगे, यानी मुलायम सिंह यादव को भी मिल लेंगे, मना लेंगे। अंजना जी, सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता को यह जानना होगा कि यहाँ पे बात इस बात की नहीं हो रही कि करोड़ों लोगों की भगवान राम में आस्था है। बात हो रही है उस मुद्दे की जो कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, और जो भी लोग संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करेगी और जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक उस पे कोई टिप्पणी नहीं करेगी। हाँ। दूसरी बात, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तो इनको, श्रीकांत जी को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वो फैसला जो है उस पे रोक लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने। तीसरी बात अंजना जी, इनकी मंशा पे है, जब जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का हो, भाजपा को एकदम से राम मंदिर की याद आ जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनकी केंद्र में भी सरकार थी और प्रदेश में भी सरकार थी, तब क्यों नहीं उन्होंने राम मंदिर बनाया? और सबसे अहम बात है अंजना जी, इससे पहले भी 2014 के चुनाव में बड़े बड़े स्टेज पे अगर किसी पार्टी ने भगवान की फोटो लगाई तो वो केवल भाजपा थी, और इस पे चुनाव आयोग ने भी आपत्ति दर्ज करी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति और धर्म को ना जोड़ें और संविधान के हिसाब से देश चलाएं, तभी देश चल सकता है। आपके लिए राम मंदिर का मतलब वोट है? देखिए, बिल्कुल एकदम गलत आरोप सपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं। हमारे लिए ये कभी वोट की राजनीति से जुड़ा नहीं था, लेकिन हमको जरूर गर्व है इस बात का कि हम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं, और हम अपने कार्यक्रम में अगर किसी में कहीं किसी भगवान का फोटो लगाए तो कोई गुनाह नहीं किया। ये मतलब नहीं है कि नहीं, जो सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, नहीं है मुझे टोका, मैंने टोका नहीं आपको बीच में, और उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। आप चर्चा को तू तू में मत तब्दील करिए। आप बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, तो आप सुनने का धैर्य रखिए। मंदिर के मुद्दे को लेकर जब 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, हाँ। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जो तीनों न्यायमूर्ति थे उनके तीनों के आप जजमेंट भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने कहा कि आगे चुनौती दी गई फैसले को, उस पे रोक लगी हुई है। अरे ठीक है भाई, रोक, अरे रोक लगा दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुन तो लो भैया, अरे गौरव भाटिया सुन लो भाई, रोक लग गई है ठीक, लेकिन उसके अगर पैरेलल आप भी जान लीजिए,
कानून में क्या कहता है वो आप जान लीजिए, उसके बाद चर्चा करिए ना। अरे हमको बस दिखाओ उत्तर प्रदेश में किस कानून का आप, सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में क्या कानून चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है ये हमको मत बताइए। बेहतर रहेगा कि आप अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए। जंगल राज चलाते हैं योगी आदित्यनाथ। अरे सुन तो लो, इसका मतलब है कि आप निकम्मे हो, आपकी सरकार निकम्मी सरकार है वहाँ, इसका मतलब आपकी सरकार निकम्मी है, आपकी सरकार निकम्मी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो उनको जेल में अंदर कर देती है। नहीं तो हिम्मत है तो जेल भेज के देखो ना, आप में हिम्मत है, हिम्मत है तो जेल भेजो। तोड़ेगा उसके खिलाफ यही कार्रवाई। आप सिर्फ झूठा प्रचार कर सकते हो टेलीविजन पर, आप झूठा प्रचार कर सकते हो टेलीविजन पर, आप वास्तविकता से मत भागिए, आप किसी को भी आप वास्तविकता से मत भागिए। आप टेलीविजन पर झूठा प्रचार कर सकते हो, योगी आदित्यनाथ जी का नाम बदनाम मत करिए, अपने निकम्मेपन को, अपने फेलियर को कवर अप करने के लिए बहस हो रही है मंदिर के मुद्दे पर, हो चुके बहस हो रही है मंदिर के मुद्दे पर, योगी आदित्यनाथ मंदिर के मुद्दे पर कि हम आपके बहस हो रही है मंदिर वापस वापस मुद्दे पर पहुंचना है, वापस मुद्दे पर पहुंचना है। जानकारी आपको क्या है क्या नहीं है, बात हो रही है राम के मंदिर के मुद्दे पर, करोड़ों लव जिहाद पे ये सरकार आई थी, मंदिर के मुद्दे पर बात हो रही है। हम भटक जाएंगे फिर विषय से भटक जाएंगे। वोट बैंक की राजनीति मत करिए, रोजगार नहीं मिला केंद्र सरकार, वोट बैंक की राजनीति मत करिए। बहुत प्रचार का मौका मिलेगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा वो तो आपने 2014 में गंभीर विषय है, लोगों को काला धन वापस लाने से जुड़ा विषय है, इसका राजनीतिकरण मत करिए। ये बताया था 2014 में, राजनीतिकरण मत करिए, रुपया वापस नहीं आया भारत, उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का काम मत करिए। वक्त ब्रेक का हो रहा है इसलिए मैं रुकूंगी, गौरव भाटी आपको रोकूंगी, एक सेकंड श्रीकांत जी आपको भी मैं रोकूंगी, एक सेकंड सर, अन्य लोगों को मैं शामिल करना चाहती हूँ। राकेश सिन्हा जी संघ खुश होगा, एजेंडा आगे बढ़ रहा है स्वामी जी कि इस उपक्रम को, अनंत काल का उपक्रम हम बनाना नहीं चाहते। राम मंदिर का निर्माण हो चाहे न्यायालय से हो या बाहर सहमति से हो, मैं एक बात कह टिप्पणी तो कहिए ना प्रधानमंत्री से, तो मैं कह रहा हूँ एक बात कह रहा हूँ, हम क्यों इस भरोसे से कह रहे हैं, मैं एक ऐतिहासिक घटना को उद्धृत करना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक तुतमई नहीं करना चाहता हूँ। 9 फरवरी 1991 को विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार को सारा डॉक्यूमेंट सौंपा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को कहा गया आप सौंपिए, दोनों में सहमति थी कि अपनी बात सौंपेंगे, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था ये प्रमाणित करने के लिए कि बाबरी मस्जिद है। उन्होंने समय लिया और 13 मई 1991 को अपना डॉक्यूमेंट सौंपा, उस डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई तथ्य नहीं था। जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार, अंतिम समाजवादी पार्टी की सरकार है, ओम पाल मेहरा को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, दूसरा बुक्कल नवाल भी मंदिर के समर्थन में आ गए, आधी पार्टी इनकी, आधी पार्टी राम मंदिर के समर्थन में, यह पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोटों के काउंट करने के लिए उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए काम कर रही है। गौरव भाटिया जी जैसे लोग उसी सांप्रदायिकता के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी नहीं। नहीं नहीं, इसको मैं पॉलिटिकल से फ्री रहने दूंगी। एक बार जफर आप जिलानी से एक रिएक्शन ले लूं सर प्लीज, उसके बाद गौरव मैं आपसे फौरन आऊंगी जवाब लेने के लिए। जफर आप जिलानी जी कन्वीनर है आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, जो सवाल राकेश जी ने पूछा है कि ठोस कागजात ऐसे नहीं दिए जा सके जिससे प्रमाणित आप कर सके कि वहां पर राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त थे नहीं। इस पर आपका जवाब जो उन्होंने, राकेश सिन्हा साहब तो उस वक्त थे नहीं बातचीत में, मैं बातचीत में शामिल था जी। 31 दिसंबर 1991 को हमारे कागजात जमा हो गए थे और जो उसके कन्वीनर थे उस वक्त, जो सुबोध कान सहाय साहब कन्वीनर थे, उनसे आप मालूम कर लीजिए, राकेश सिन्हा साहब का कोई वजूद नहीं था उस टाइम। अरे मैं भारत सरकार का, ऐसी गलत बयानी है, भारत सरकार का जो श्वेत पत्र है, राव सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया, जब भारत, ये बात देखिए, एक समन्वय कमेटी बनी, एक एक्सपर्ट की कमेटी बनी, एक्सपर्ट की कमेटी को आपको एक निवेदन देना था, आप विश्व हिंदू परिषद ने 13 फरवरी 1991 को निवेदन दिया, आप बार बार उसे नहीं दे पाए और आपने मई में जाकर एक निवेदन दिया, जिस निवेदन में क्या कहते हैं मालूम है, एक डॉक्यूमेंट में कहा गया कि राम सीताराम की बहन थी, एक डॉक्यूमेंट में कहा गया राम इजिप्ट के राजा थे, क्या बात कर रहे हैं आप, सारे डॉक्यूमेंट जो मैं सुना है जिलानी जी, कागजात सुप्रीम कोर्ट में हैं, स्पेसिफिक बात होगी जब आप सुनकर जवाब देंगे, क्योंकि ये दो पॉइंटर्स कह रहे हैं, क्या ये सच है जो जानकारी ये बता रहे हैं, दो बार जो रिपोर्ट दी गई थी, अगर ये झूठ है तो आप टीवी पर बता दीजिए सबको। आप एक चीज बताइए, 13 फरवरी 1991 को बीएचपी ने दिया और आपने 13 मई 1991 को क्या दिया था, सो बताइए 6 महीने का दौर क्या लगा। गलत कह रहे हैं सिन्हा साहब,
कोई रिपोर्ट 17 फरवरी 91 में नहीं दी गई थी। मैं भारत सरकार के श्वेत पत्र को उद्धृत कर रहा हूं। मैं एक शब्द मेरा सत्य है। राव सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया ढांचा के ढहने के बाद, उस श्वेत पत्र से मैं उद्धृत कर रहा हूं। चार बैठकें हुई चंद्रशेखर जी की सरकार के दौरान, चार बैठकें हुई समन्वय की। उसमें विश्वेंद्र प्रसाद ने सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने चार इतिहासकारों को नॉमिनेट किया कि आप हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट दीजिए। उन्होंने अंत में जाकर 13 महीने को दिया। उसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो साबित करता है कि बाबरी मंदिर नहीं तोड़ा गया था। मंदिर तोड़ा गया था, सारे डॉक्यूमेंट साफ है। इसीलिए ये चाहते हैं कोर्ट का निर्णय में डिले हो, कोर्ट के निर्णय में विलंब हो। कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी के इस उत्सुकता को हम क्यों ना कहें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इलेक्शन की वजह से। श्रीकांत शर्मा जी इसका सीधा जवाब दीजिए। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको स्पेकुलेट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के लिए राम जी का मंदिर कभी वोट बैंक से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा ये मानना है अंजना जी कि इस पूरे मसले को अदालत में 60 साल से यह मसला अदालत में है। अगर इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से अगर निकल रहा है, निकालने की अगर कोशिश हो रही है, तो जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बौखलाहट में सपा सरकार है, वहां उनका जो फेलियर है, वो उनका जो निकम्मापन है, उसको कवर अप करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल को आप सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो DDCA की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के और बहुत खास माने जाते हैं।